कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कोई विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और इंदौर की विधानसभा क्रमांक एक से विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद बता दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कमलनाथ को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने सब कुछ अब दिल्ली में बैठे बीजेपी आलाकमान के हाथों में भी छोड़ दिया है। क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। लोकसभा चुनाव से पहले आवन जावन की बेला जारी है। कांग्रेस से छूटकर कई नेता बीजेपी का दामन लगातार थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो हाल ही में कमलनाथ के करीबी जगत बहादुर अन्नू, जो जबलपुर के मेयर हैं, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। इसके बाद और भी कुछ नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस बीच में लगातार अटकलें लग रही थी कि क्या कमलनाथ भी बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं इन अटकलों पर एक बार फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर है। यहाँ आपको बता दें कि इंदौर में मीडिया से बात करते हुए जब मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया कि क्या कमलनाथ बीजेपी में आ सकते हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश के तमाम बीजेपी नेताओं ने यह तय किया है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर दिल्ली से कोई आदेश आता है या फिर दिल्ली में बैठा बीजेपी आलाकमान ये तय करता है कि कमलनाथ बीजेपी में आएंगे तो इसके बारे में आगे सोचा जा सकता है। एक बार कैलाश विजयवर्गीय का पूरा बयान सुनिए। सर, कमलनाथ जी के भाजपा में आने की चर्चाएं हैं और इधर उधर जा रहे हैं और कोसी सांसद को लेकर भी कांग्रेस में भी दिल्ली पहुंचे, उसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, हमें तो कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कोई विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे। आपको ये भी बता दें कि पहला मौका नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय ने इस तरीके से कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद है ये कहा हो। इससे पहले छिंदवाड़ा में भी ऐसा ही बयान देते हुए कैलाश विजयवर्गीय नजर आए थे कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। वहीं आपको बता दें कि कमलनाथ को लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चा है कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। वहीं चर्चा ये भी है कि कमलनाथ जो है वो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में जा सकते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ क्या तय करते हैं। हालांकि हाल के दिनों में कमलनाथ ने इस बात को कि वो बीजेपी में जा सकते हैं इसे कोरी अफवाह बताया था और कांग्रेस के समर्थन में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि सियासत में कब क्या हो जाए ये पता नहीं चलता, तो ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ कांग्रेस छोड़ते हैं या कांग्रेस की नैया पार लोकसभा चुनाव में लगाने में मदद करते हैं। मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक सबसे पहले आप तक लेकर आएगा, खबर आप तक पहुंचाइए। साथ ही धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।